ఆకర్షణ కలిగి రింగ్ 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 హూం హూం రింగ్ రింగ్ స్వాహ ఓం కరాళవదనం ఘోరాం ముక్తకేశీం చతుర్భుజాం దక్షిణాం కాళికాం దివ్యాం ముండమాలా విభూషితాం ఓం ఖడ్గం చక్రగదే శుచాపరిగాం చూలం భుషుండం శిరా ओ रामपुर गांव में उत्पात मचाने वाले शैतान, तूने 30 दिन में 20 व्यक्तियों का रक्त पिया है। मैं कहता हूं वहां से निकलकर आ जा मेरे सामने, नहीं तो वहीं पर भस्म कर दूंगा तुझे, भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं रक्त चामुंडायै कुरु कुरु सर्वजनं मे वशमानाय स्वाहा। ओम ह्रीं महाप्रलय साक्षिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं महाप्रलय साक्षिण्यै स्वाहा। ओम करालवदनं घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजं आहा। मैं आ गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे जलाकर भस्म मत कीजिएगा। मैं आ गया हूँ। नहीं, आज के बाद मैं किसी भी गांव के व्यक्ति का खून नहीं पीऊंगा। लगता है तंत्र शक्ति के प्रभाव से डर गया है तू। आप तो महान तांत्रिक हैं। हो सके तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दीजिए। अब मुझे विश्वास हो गया है, अब तू कभी गांव वालों को तंग नहीं करेगा, कभी नहीं। प्रेत योनि से मुक्ति चाहता है ना? ठीक है, मैं दिलाऊंगा तुझे इस योनि से मुक्ति। ओम कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम याम्बा मधुकैटभभ्रमदिनी यामाहिशोनमूलिनी या धूम्रवृक्षरतनमन्मथिनी या रक्तबीजाशिनी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतनी रात में दरवाजा किसने खटखटाया? बाबा हा? बाबा, मेरी पत्नी को देखी ना क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गई। इसे माता के चरणों में लिटा दो। अच्छा बाबा। ॐ ह्रूं ह्रीं ह्रां। कौन है तू? मैं सरकटी लाश की आत्मा हूँ। क्या हुआ मुझे? बाबा, ये तो बिल्कुल ठीक है। गलत। इसके अंदर सरकटी लाश की आत्मा उस दिन प्रवेश की थी जिस दिन तुम और तुम्हारी पत्नी जंगली रास्ते से चले आ रहे थे। हाँ बोलो। मैं एक मिनट बाथरूम जाकर आती हूँ। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, दूर मत जाना। बस कहीं और आई। हाँ जल्दी, पूरे खानदान को आदत पड़ गई बाथरूम की। घर नहीं जंगल नहीं, जहाँ जगह मिली वही बाथरूम। टॉर्चर करके रख दिया इस बाथरूम ने। Thank you.
ठीक हो गई, लेकिन ये अभी तक बाथरूम से नहीं लौटी। आदत पड़ चुकी आधे आधे घंटे तक बाथरूम में। लो ये यहाँ बैठी हुई। यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो तुम? चलो उठो, जब देखो तब बाथरूम। चलो, अरे चलो। पता नहीं कब बाथरूम इनका पीछा छोड़ेगा। कमाल करती है। अरे बैठ भी जाओ, देर हो रही है। ये तुम्हारे सारे खानदान में बार बार बाथरूम जाने की कौन सी आदत पड़ी है? घर में तो ठीक है, ये घड़ी घड़ी जंगल में जब देखो तब खड़ी करके जहां भी खड़ी करो बाथरूम। कम से कम ये आदत तो बंद करो। ठीक बोला ना? चुप रहो। तुम्हारी बहन है, सारी रात को उठ के 25 बार बाथरूम जाती है। मैं जब भी जाता हूँ लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता है। हाउसफुल का बोर्ड जैसे थिएटर में लगता है, हमारे घर में बाथरूम में लगता है। क्या बोला? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। देखो ये मर्दानी आवाज में बोल के मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब छोड़ो भी ये ड्रामा, चलो चलो नीचे उतरो। अरे क्या हुआ, ये घूर क्यों रही हो? देखो ये सुहाग रात के नाटक छोड़ो, अब हम छोटे नहीं हैं, उम्र हो चुकी है। आओ आराम करते हैं। ओहो आओ भी, चलो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सत्तांतक बाबा को दिखाना ही पड़ेगा। क्या हुआ नेहा, एक बार मुस्कुरा दो, देखो प्लीज। अरे बाबा कान पकड़ता हूँ, आज के बाद तुम्हारे खानदान के खानदान के खानदान के खानदान के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, फिर से कान पकड़ लेता हूँ, लो। बिल्कुल नहीं। लेकिन नेहा मेरी समझ में एक बात नहीं है। क्या? तुम्हारी बहन शांति कार पार्क करके कभी तक घर में नहीं आई, कहीं वो अपने मंगेतर से मिलने बाहर तो नहीं चली गई? तुम दोबारा शुरू हो गए ना फिर, मेरी बहन को तुम क्या ऐसे वैसे समझते हो? अरे नहीं बाबा, मैं उसको ऐसा वैसा नहीं समझता हूँ। वो क्या है ना, सुनो। क्या है? गाड़ी पार्क करने में इतना टाइम लग गया? चलो मुंह हाथ धो लो, खाना खाते हैं। मुझे अभी भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं रामू से कह दूंगी मेरा खाना ले आए। क्या हो गया इसे? तुम्हारा खानदान है भाई। चुप रहो। हाँ देखो, तुमने पूरे रास्ते से अब तक मेरा बहुत मूड खराब किया है। क्या? मेरी बहन, मेरे घर वालों के बारे में पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहते रहे। अगर तुमने रात को मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ सुनो, मैंने सचमुच अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कोई बात नहीं, आइडिया नंबर दो। सुबह से शाम हो गई, लड़का अभी तक नहीं आया, कहीं उसने शादी करने से इनकार तो नहीं कर दिया? ऐसा लड़का नहीं है, वो अच्छे घर का लड़का है, और अगर ये शादी हो गई तो शांति हमारी राज करेगी वहाँ पर। राज तो तब करेगी जब वो आएगा। आ जाएगा, देखते हैं। है? लो आ गया, आइए। अशोक हमने तो सोचा था कि तुम आओगे ही नहीं। वादे से मुकरना मेरी फितरत नहीं, वादा करूं और मैं ना हूं। लेकिन बेटे अशोक, इतनी देर कैसे हो गई? दरअसल हुआ ये कि मॉर्निंग की फ्लाइट मुझसे मिस हो गई, इसलिए दोपहर की फ्लाइट पकड़कर मैं शाम को सीधा यहाँ आ गया। सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। अरे आओ बैठो, नाश्ता पानी तो कर लो। थैंक्स, रात का डिनर साथ करेंगे। शांति आओ चलें। ओ सॉरी, आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। देखा, शांति की तो तकदीर खुल गई, अब जरा हम अपनी तकदीर खोल लें। चलो।
कहता हूँ, दिल के सुबह से कहता हूँ, आज तुमसे कहता हूँ, दिल के सुबह से कहता हूँ, तुम ही तो दिल में हो, करता हूँ मैं तुमसे प्यार। मेरा दिल देखो बेकरार, आज तुमसे कहता हूँ, दिल के ज़ुबान से कहता हूँ, तुम ही तुम दिल में हो, करता हूँ मैं तुमसे प्यार। मुझे जो कुछ कहना था मैं ख्यालों में कह चुका हूँ। छोड़ो ये बातें, मौसम कितना सुहाना है। तो ठीक है, पहले मैं खिड़की से मौसम देखता हूँ, फिर आपको देखूंगा। लगता है बहुत ऊंचाई पर।
हुआ शांति? अशोका? अच्छा अच्छा, अब समझा। लगता है हमारी साली साहिबा को अशोक ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए गुस्से से रोने लगी है। देखो शांति, अक्सर लड़के लड़कियों को शादी से पहले इसी तरह परेशान करते हैं और लड़कियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों भाई, हमने भी तो किया था ना। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था वो करने की जो एक कुंवारी लड़की को शादी से पहले नहीं करना चाहिए। मैंने इनकार किया तो गुस्से में चला गया। रो मत शांति, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे नीच इंसान के साथ अगर मैं तुम्हारी शादी भी करवा देता तो मेरे ख्याल से तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाती। इस तरह से उसने अपने मंगेतर का खून बड़ी चालाकी के साथ कर दिया। और इस समय वो हाँ, तुम्हारी साली के जिस्म में प्रवेश करके उससे तांडव नृत्य करा रही है। तांडव नृत्य करा रही है। लेकिन बाबा, चिंता मत कर, जिस तरह से सरकटी लाश की आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर से निकलकर तुम्हारी साली के जिस्म में प्रवेश कर गई है, उसी प्रकार तुम्हारी साली के शरीर से सरकटी लाश की आत्मा को निकालकर तुम्हारी पत्नी के शरीर में उतार दूंगा और तुम्हारी पत्नी के शरीर से उसे निकालकर अपनी कैद में रखूंगा। फिर तुम्हारी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगी और सरकटी लाश की आत्मा मेरे इशारों पर नाचेगी। सरकटी लाश की आत्मा, तू बहुत चालाक बनती है। तुझे मालूम पड़ गया था तुझे मुझ जैसे महान तांत्रिक के सामने लाया जा रहा है, इसलिए तू इसका शरीर छोड़कर इसकी बहन के शरीर में प्रवेश कर गई और लोगों का खून चूस रही है। याद रख, मैं तुझे वापस बुलाऊंगा और फिर इसके शरीर में प्रवेश कराऊंगा और फिर तुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। तुझे आना होगा। सरकटी लाश की आत्मा, चलिया चलिया। सरकटी लाश की आत्मा, तुझे आना होगा। तांत्रिक, तूने मुझे बुला तो लिया, लेकिन मैं तब तक तुम्हारी कैद में नहीं आऊंगा जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। आज तुम्हारे घर का नौकर बाहर तो जाए मगर जिंदा वापस ना आए, समझ गई ना तुम? अब तुम सो जाओ और मैं रात का इंतजार करता हूं। मेम साहब, आप? हाँ मैं। इतनी रात को मेम साहब क्या मांगता है? खाना। खाना तो मेम साहब नहीं है, साहब कुछ लेकर आए हैं, फ्रिज में पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में ले आओ, मैं नहाने जा रही हूँ। मेम साहब, वहाँ क्यों खड़े हो? ये क्या लाए हो? नाश्ता मेम साहब। ये क्या है?
इसे तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले तुम्हें। नहीं मैम साहब, नहीं, मालिक नाराज होंगे। नहीं मैम साहब, देखिए हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मैम साहब, ऐसा नहीं मैम साहब, मालिक देखेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुम तो हो ही डरपोक मैम साहब। ठीक है, एक काम करो, तुम नीचे गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा, तुम चिंता मत करो लड़की। मैम साहब ने तो कहा था बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें जाके बैठ जाओ, यहाँ तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खड़ी है, मैं कहाँ बैठूं? अरे बिना सर का आदमी कि मुझे मार डालेगा। अरे अरे बाबू, मेरी भी गर्दन काट डालेगा। अरे बाबू, अरे अरे बचाओ कोई, अरे बिना सर का आदमी, अरे बचाओ, अरे नहीं, अरे तो सर कटी लाश हो गई, अरे कोई बचाओ, अरे अरे मुझे बचाओ, ले तो मेरी भी गर्दन काट लेगा, अरे बचाओ रे कोई, अरे बचाओ। अरे नहीं, अरे मुझे कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो मुझे, अरे अरे तो सरकारी लाश है, अरे मेरी भी, अरे मेरी भी कैसे काट लूंगा, अरे मुझे भी पकड़ के ठीक है बना ले, अरे मैं नहीं बनना चाहता, अरे कोई बचा लो मुझे, अरे अरे बचा लो मुझे। अरे नहीं, अरे कटी लाश की आत्मा आ जा, ओम भीम भीम, सर कटी लाश की आत्मा आ जा, तुझे आना ही होगा, तुझे आना ही होगा, आना ही होगा। रामत बालक, ये सिद्धि की जीत है, यहां घबराने की आवश्यकता नहीं, मुझे मालूम है ऐ सर कटी लाश की आत्मा कि तूने भी कुछ ऐसे कष्ट सहे हैं, लेकिन अब मैं तुझे कोई कष्ट नहीं देने वाला। मैं तुझे ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा
जहां तू हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहेगी। सुन मेरी कैद में आ जा ताकि सदा सदा के लिए तू मेरी कैद में रहे, मेरी कैद में रहे, मेरी कैद में रहे। आ जा इस बोतल में आ जा। सरकटी लाश की आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर जा, प्रवेश कर जा। आ जा आ जा आ जा इसके अंदर आ जा आ जा। सरकटी लाश की आत्मा अब तू मेरी कैद में है। बेटी पिताजी इसमें सरकटी लाश की आत्मा है जो लोगों का खून पीती थी। खबरदार इसे कभी खोलने की जरूरत ना करना। ठीक है पिताजी। घबराओ मत बालक, कल सुबह 4 बजे अमावस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा। और तुम्हारी पत्नी को होश आ जाएगा। ठीक है। तब तक तुम उसके पास बैठो, सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल होगा। और तब तक मैं अपनी सिद्धियों की सेवा करूंगा। लड़की, मैं एक सरकटी लाश की भटकती आत्मा, मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौन हो तुम? करनी होगी, क्या करनी होगी। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों मुझे सपनों में आकर परेशान करते हो? रेखा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे द्वारा अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता हूँ। जिसने मुझे बड़ी बेरहमी से मार डाला वो है शक्ति। सपना आओ 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 सपना। शक्ति मैं तुमसे बहुत जरूरी बात। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे यार क्या दिख रही हो तुम? मैंने ऐसे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल। एक मिनट खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। अरे यार तुमको देखा तो मेरा फोटो सेशन करने का मूड आ रहा है। मेरी बात तो सुनो। अरे रे रे रे, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, आज तो तुम सबकी छुट्टी कर रही हो। क्या दिख रही हो? एक मिनट। अच्छा पहले फोटो सेशन करते, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अरे रे 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 रे, एक पप्पी तो दे दे। सजा सामने खड़ी हो जा, बाद में मैं तेरी बात सुनूंगा ना। अरे पहले वाली जो रील थी ना वो खराब हो गई। गो गो गो, स्टैंड ऑन द बेड। पूरी रील खराब हो गई थी। हाँ गुड गर्ल, प्लीज मेरी बात तो सुनो। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। बॉम, एटम बॉम, फैंटास्टिक। इतना खूबसूरत मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एक काम करो, ये टॉप है ना, ये थोड़ा सा निकाल दो। लास्ट टाइम नहीं निकाला था ना, आज प्लीज निकाल दो ना। आई लव यू, गुड। निकालो निकालो निकालो। एक मिनट। हाँ सेक्सी मडोना, प्रीति जेंटा, रानी मुखर्जी, काजोल। ये जो है ना, ये थोड़ा सा ब्लाउज, इसको थोड़ा सा। अरे लव यू यार, माय डार्लिंग, फॉर मी, माय बेबी। हाँ थोड़ा और नीचे, थोड़ा और। अरे यार एक मिनट। अरे मॉडल नंबर 1, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। फैंटास्टिक सेक्सी यार। ये स्कर्ट अच्छी नहीं लग रही, वेरी बैड, वेरी बैड। स्कर्ट को उतारो ना यार। खींचो ना यार, खींचना। कोई नहीं, मैं और तुम, एंड वी आर मेड फॉर ईच अदर। थोड़ा और, थोड़ा और।
क्या बढ़िया यार, अरे तुम तो हिंदुस्तान की टॉप की हीरोइन बनोगी, मैं बनाऊंगा तुमको 100% डायमंड, फंटास्टिक फंटास्टिक, 100% गोल्ड, 100% देसी क्यों, फंटास्टिक। अरे क्या पोज है यार, फंटास्टिक। अरे लंदन पेरिस टुगेदर, वेरी गुड, फंटास्टिक सुपर, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग, ओ हो फंटास्टिक, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वेरी गुड, आई लव यू बेबी, आई लव यू, लवली। क्या बॉडी है, क्या फिगर है, मेरी नजर तुम पर पहले क्यों नहीं पड़ी? दरवाजा बंद। डार्लिंग अभी तो लाइट भी जाएगी। लाइट्स बंद। तुम मुझसे प्यार करती हो, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर तुम मुझे मरने के लिए भी कहोगे तो मर जाऊंगी। अरे मरने के लिए तो मैं बाद में कहूंगा। क्या? मेरा मतलब आज ये मरने वरने की बातें मत करो, आज सांस से सांस टकराने दो, मिलने दो, दो जिस्म को एक होने दो, मेरी डार्लिंग। क्या बोल रही थी वो, बोलो अब बोलो। शक्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपना घर बार छोड़कर आई हूँ। क्या? सिर्फ तुम्हारे लिए। अपना घर बार छोड़कर आई हो मेरे लिए? हाँ। एक करोड़पति बाप की बेटी अपना घर बार मेरे लिए छोड़कर आई? हाँ। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानते नहीं कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, एक किराए के घर में रहता हूँ, छोटे से कमरे में रहता हूँ, दो वक्त की रोटी का मेरा ठिकाना नहीं, बरसात आती है तो यहाँ पर पानी लीक हो जाता है, मालकिन हर रोज किराए के लिए भागती है, मैं आगे भागता हूँ, मेरे पीछे भागती है, तेरे को मालूम है कि मैं दो वक्त की रोटी कमाने के लिए टाइम बिंग का काम एक होटल में मैनेजर का भी करता हूँ। देखो तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम किसी करोड़पति से शादी कर लो, मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें सुखी नहीं रख सकता, अरे मैं तो तुम्हारे कपड़े तक नहीं खरीद सकता, मैं तुम्हारे जूते तक नहीं खरीद सकता, तुम्हारे मेकअप का सामान तक नहीं खरीद सकता। देखो मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर सुखी रहो, कसम खाता हूँ कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म अमीर बनूंगा, करोड़पति अरबपति बनूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। देखो मैं अपनी जान दे दूंगा अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो, तुम किसी करोड़पति से शादी करो, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, ये जन्म है तो अगले जन्म में तुम्हें जरूर मिलूंगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस होटल के अंदर मैं मैनेजर हूं ना, तुम हनीमून के लिए उसी होटल में आना, उसी होटल में रूम बुक करना, अपने पति के साथ स्वागत वहीं मनाना, मैं बाद में तुम्हारा फोटो सेशन करूंगा, दोबारा मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बनाऊंगा, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोरेला, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, तुम्हें देखो तो सही कहां से कहां पहुंचा दूंगा, हिंदुस्तान नहीं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इनक्लेम्ड हीरोइन, और हाँ मजा आ जाएगा, उसके बाद हमारा रिश्ता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम अपने पति के अंदर देखना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, लेकिन भूलूंगा नहीं मैं तुम्हें जिंदगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हिंदुस्तान की टॉप की हीरोइन बनो, आजकल तो शादीशुदा औरतें भी काम करती हैं, चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस करोड़पति खूबसूरत लड़की के साथ शादी क्यों नहीं की, मैं बताता हूं क्यों। जब 100 हरामी पैदा हुए, 101 हरामी मैं था, जब 100 कमीने पैदा हुए, 101 कमीना मैं था, यानी कि मैं बहुत हरामी भी हूं और बहुत कमीना भी, ये मेरी एक चाल है, मेरी एक साजिश है, ये करोड़पति लड़की एक करोड़पति लड़के के साथ शादी करेगी और शादी करने के बाद मेरे होटल के अंदर सुहागरात मनाने आएगी, करेक्ट। जब ये सुहागरात मनाने आएगी, सुबह उठेगी, अचानक इसका पति गायब होगा, वो एक्चुअली गायब नहीं हुआ होगा, उसका मैं मर्डर कर दूंगा, कत्ल कत्ल, जो एक हादसा होगा, एक हादसा लगेगा, और फिर ये रोती हुई मेरे पास आएगी, बोलेगी शक्ति मेरा पति अचानक मुझे छोड़कर चला गया, रात भर सुहागरात मनाई, जब मैं सुबह उठी तो वो गायब था,
मुझे लगता है मेरा पति कहीं चला गया, मेरा पति कहीं मर गया, मैं विधवा हो गई। शक्ति मेरा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है शक्ति। और मैं बोलूंगा हाँ, मैं तुम्हारे साथ अब शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मजबूर लड़की हो, और उसके बाद मैं इससे शादी करूंगा। अचानक एक सुबह होगी, इस लड़की का भी कत्ल हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इसकी सारी जायदाद जो इसके पति ने भी इसके नाम पे की थी, इसके बाप ने भी इसके नाम पे की थी, वो सब मेरी हो जाएगी, और ये शक्ति बनेगा करोड़पति। समझे कि नहीं समझे? समझा? जिनका इंतजार था, सपना और उसका पति रूम नंबर 410 में आ चुके हैं। उन्होंने कुछ मंगवाया? हाँ, खाने के साथ थम्स अप मंगाए। एक काम करो, उनकी थम्स अप के अंदर दो दो गोलियां मिला दो। जब वो दोनों बेहोश हो जाएं तो उस रूम में वापस एंट्री मारो। जितनी ज्वेलरी, जितना पैसा उस रूम में हो, वो सब उठा लो। अरे यार, कितनी देर हो गई, कोई कोल्ड ड्रिंक भी लेके नहीं आता। सॉरी साहब, लेट हो गया। थैंक गॉड। थैंक यू, लीजिए मैडम। चीयर्स। करीब आओ। आज तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हम्म,
और उसके बेहोश पति को जैसे मैंने तुमको समझाया है जंगल में जल्दी लेकर आओ, ठीक है? ओके सर, अब मजा आएगा। क्या बात है, तुम्हारी जुल्फे हैं या सावन की घटा है? ओहो, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो तुम मुझे। क्या बात है, मैं करीब आओ ना, आओ ना। क्या हुआ? अरे आओ ना यार। उसके पति का मर्डर और ये शक्ति बनेगा करोड़पति। आवाज नहीं करना कोई, धीरे से उठाओ। ये संभल के उठा रहा हूं, लेके चलो। ये हेलमेट चुपचाप खड़ा रहना, मित्र बाप आता होगा। राहुल, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। नीचे चल के देखती हूँ। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। आखिर मेरा कसूर क्या है? जा बेटा, अब तेरा टाइम आ गया है। देखो, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम मुझे साला करोड़पति, मैं बनूंगा तेरी सारी दौलत का मालिक। हाँ, राहुल तुम कहाँ हो? राहुल मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? राहुल तुम कहाँ हो? राहुल प्लीज, कहाँ हो तुम? राहुल आप देखना मजा आएगा, आएगी रोती हुई। हाँ, ये अभी तक आई क्यों नहीं? आएगी आएगी, जरूर आएगी। शक्ति का प्लान और नाकाम हो जाए? हो ही नहीं सकता। शक्ति आगे, नाटक शुरू, नाटक। सो जा। कौन है? सपना। सपना तुम? हाँ मैं। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ शक्ति। हाँ शक्ति, मेरे पति गायब हो गए। सुनो तो यार। अरे शक्ति, सुन रहे हो? मेरे पति गायब हो गए। तुम्हारा क्या, तुम्हारा पति गायब हो गया? यानी कि क्या हुआ? हम लोग सुहाग रात मनाकर सो रहे थे, अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा वो है नहीं। मैंने सब जगह तलाश किया, हर जगह टेलीफोन किया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। शक्ति मेरा अब क्या होगा? रो मत, अक्सर ऐसा ही होता है। अब क्या होगा मेरा शक्ति? ये जितने करोड़पति लड़के होते हैं ना, अक्सर ऐसे ही करते हैं। खूबसूरत करोड़पति लड़कियों को फंसा कर उनके साथ शादी करते हैं, सुहागरात मनाने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी कसम पर मैंने उनसे शादी की। शक्ति, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरा पहला प्यार हो। आई लव यू शक्ति, आई लव यू। रो मत। आई लव यू। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। रो मत, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, लेकिन
जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होना है ना। मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, नहीं रह सकता। लेकिन शक्ति, एक प्रॉब्लम है। तुम प्रॉब्लम वही तुम्हारे डैडी की, पिताजी की वही पुरानी कहानी, गरीब लड़की के साथ शादी, फिर वही। एक आइडिया है, तुम एक छोटा सा काम करोगी मेरे लिए? हाँ। देखो इसमें मेरे को मतलब नहीं है, तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी जायदाद है, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे पति की, वो सारी जायदाद तुम मेरे नाम पे कर दो। मेरा मतलब है कि देखो, जब जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे डैडी को मजबूर मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा मतलब है कि मेरा पैसा भी सब तुम्हारा ही है ना। ठीक है ना? लेकिन कागजात? कागजात वो मैंने सब तैयार करके रखे हैं। वो मेरा मतलब ये प्लेन पेपर है, तुम यहाँ नीचे साइन कर दो, बाद में टाइप करा के सब करवा लूंगा। चलो साइन करो। आई लव यू, आई लव यू। इधर साइन करो। तुम्हारे बिना मैं भी रह नहीं सकता। जो ऊपर वाला करता वो बिल्कुल ठीक करता है। साइन हो गया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज आज तुम्हारी दूसरी सुहागरात है, पहले तुम्हारे हस्बैंड के साथ और अब मेरी रानी तुम्हारे लवर के साथ। आजा आजा मेरी रानी, आजा। आज मजा आएगा, आज मजा आएगा, आज मजा आएगा। रानी ये पवित्र बंधन है, कभी नहीं टूटेगा। यह बंधन तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। हमारा यह बंधन सिर्फ मौत ही जुदा कर सकता है। मौत, मौत, मौत ही जुदा करेगा। मैंने बोला था ना मौत, बोला था ना मौत, बोला था ना मौत, मैंने बोला था ना मौत। मर साली, करोड़पति शक्ति, करोड़पति शक्ति, करोड़पति शक्ति। मर गई साली, जाओ ऊपर। और मेरे बाद उस कमीने शक्ति ने मेरी पत्नी सपना को भी गला दबाकर मार डाला। लेकिन तुम्हें ऐसा कौन सा दुख और तकलीफ है जिसके लिए तुम रात रात भर करवटें बदलती हो? जानना चाहते हो मैं रातों को करवटें क्यों बदलती हूँ? तो सुनो, मेरे पिताजी एक सीधे साधे पंडित थे। पूजा पाठ करके हमारे परिवार का गुजारा होता था। मेरे पिताजी को तंत्र मंत्र का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। अक्सर लोग अपनी मुश्किलें लेकर उनके पास आते थे और पिताजी हमेशा उनकी मदद किया करते थे। पता नहीं उस लड़की का क्या होगा। हाँ, आइए पंडित जी, डर लग रहा है उसे देख कर। हटो 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 भाई, आइए पंडित जी, हटो भाई, हटो हटो, आइए पंडित जी। आए देखिए अभी क्या होगा। बहुत विद्वान है पंडित जी। देखते हैं। देखो पंडित जी क्या हो गया इसे। लगता है कोई बहुत खतरनाक चंडालनी है, इसको मंत्र से वश में करना पड़ेगा। अभी देखता हूँ इसे। जा एक ग्लास पानी ला। अभी लेके आता हूँ। Oh,
मैं नहीं जाऊंगी। तू कुछ भी कर ले। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम ताड़े ओम नमः ओम ताड़े ओम नमः ओम नमः ओम ताड़े ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम ताड़े ओम नमः ओम नमः ओम ताड़े ओम नमः ओम नमः ओम ताड़े गई लो मेरी बीबी ठीक हो गई। चाची पंडित जी कितने मेहरबान है ना। भाइयों पंडित जी ने मेरी बीबी को ठीक कर दिया। मेरी बीबी ठीक हो गई। मजाक मिली है साथ में से। आपने बीबी को ठीक कर दिया। परेशान करती थी घर वालों को। मुझे तो बहुत डर लगता था उसे। इसमें हमारा कुछ नहीं, सब माँ भगवती की कृपा है। अच्छा देखा पंडित जी कितने महान है। मेरी बीवी को पचा। सही कहा। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, एक कमीने आदमी की गंदी नजरें मेरी जवानी पर पड़ी। आप चाहते हैं कि मैं वाराणसी जाऊं और वहां अच्छे से गुरु से पूरा तंत्र मंत्र का ज्ञान लूं, और इसके लिए खर्चा देने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल सही। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही खन्ना साहब, कि आप इतना अधिक खर्च मेरे ऊपर करना क्यों चाहते हैं? सो क्या है पंडित जी, हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। हाँ। उसकी खुदाई में गुप्त धन का चांस होता है, इसलिए। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में गुप्त धन प्राप्त हुआ तो उसमें हमारा भी आधा हिस्सा मिलेगा। तो मैं वाराणसी आपके खर्चे पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए सब कुछ कार्य करने। लेकिन खन्ना साहब, ये मेरा ख्याल है वाराणसी पहुंचने तक ही काफी होगा। बाकी काम मैं वहां भेज दूंगा। अच्छा अच्छा। अरे बेटी देखो, ये खन्ना साहब हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं भाई, हमारे लिए तो भगवान स्वरूप हैं। इनके लिए जलपान का प्रबंध करो। लाई बाबूजी। मैं अपने वाराणसी जाने का प्रबंध करता हूँ। अरे अरे कैसी है तू है? देख बेटी, तेरे पिताजी कल वाराणसी जा रहे हैं तंत्र मंत्र की विद्या सीखने। लेकिन तुझे कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े या कुछ मदद लगे तो मुझसे मिलना, मैं तुझे जरूर मदद करूंगा। है अरे वाह। तेरे पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक बनकर आएंगे, फिर तू ऐश करेगी, रानी जैसी रहेगी। नौकरी की जरूरत हो ना तो भी आ जाना मेरे पास। ये आपने क्या कर दिया खन्ना साहब? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। देख चिंता मत कर, मैं हूं। तुझे रुपया चाहिए ना, मैं हूं ना। ये ले 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए? ये साड़ी पहन और निकल जा बाहर। अल्लाह। डॉक्टर के पास जाना मत भूलना, वो दवाइयां देगा, पैसे मैं दूंगा। है आगे बेटी, अभी तू बहुत समय पर आई,
कितना पैसे दिए बेटी? 50 रुपए दिए। 50 रुपए दिए? 50 रुपए में क्या होगा बेटी? राशन आएगा, दवाई आएगी। दादाजी बोल बेटी, मैं दवा लेकर आती हूँ। हाँ बेटी जा, जल्दी से आना बेटी, जल्दी से आना बेटी, दवाई लेके जल्दी से आना। हाँ बेटी, और डॉक्टर से भी मिल के आना तू। अच्छा मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अच्छा दादाजी मैं जाती हूँ। बेटी बेटी जरा जल्दी आना, बेटी जरा जल्दी आना। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं देवीं जातवेदोमावह तामावह जातवेदो देवीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं वामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीं देवीमुपवहेशीर्मा देवी जुषतां तां सुस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवहेशीं चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंती कल्याण हो। पहना है? हाँ, आपकी वेशभूषा पहनाया बिल्कुल। देख मैं राम श्री, देखो वत्स, तुम्हें मेरे साथ मंत्रोच्चारण करना होगा, परंतु याद रखना यदि मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो तंत्र विद्या में तुम्हारे प्राणों का भय है। बोलो स्वीकार है तुम्हें? स्वीकार है गुरुदेव। कंचा कंचन सन्निभाम हिमगिरि पक्षश्चतुर्भिर्गजाय हस्तोत्पित्त हिरण्मयामृत घटैरासिचम। हेलो। हाँ खन्ना साहब। हाँ बोल। अरे यार आपने तो बोला था कि लड़की आधे घंटे में आ जाएगी। अरे मैं कब से परेशान हूँ, आ रही है आ रही है आ रही है। अरे यार मेरे दिल की धड़कन और बढ़ती जा रही है, हैं कब आएगी, आखिर कब आएगी? लगता है तू दिल का इलाज करते करते खुद दिल का मरीज बन गया है। अभी तो 1 घंटा हो गया यार। अरे आ जाएगी यार, तू घबरा मत, अभी आ जाएगी। देख बेल सुना? हाँ बेल बता, शायद लगता है वो आ गई है। ठीक है बाद में बात करते हैं। आजी। आओ। डॉक्टर साहब, मुझे खन्ना साहब ने भेजा है। हाँ खन्ना साहब बोल रहे थे कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब है, लेकिन वो कह रहे थे कि कल से तुम्हारी भी तबीयत खराब है, अब तो तुम्हारा भी चेकअप करना पड़ेगा। आओ। बैठो। जी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं तुम्हें एक गोली देता हूं। ये लो। एक गोली खा लो तुम, देखो पहले तुमको थोड़ा सा चक्कर आएगा, हाँ उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। घबराओ मत, ठीक हो जाओगी तुम। तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम भी मिल जाएगा और मैं तुम्हारा चेकअप भी कर लूंगा, है ना? डॉक्टर साहब अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक गोली खाने से ऐसा ही होता है, पहले थोड़ा सा चक्कर आता है उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेट जाओ, आराम मिलेगा तुम्हें, लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप भी करूंगा। ले शाबाश, ये ठीक है। अब देखो अभी थोड़ी देर में तुमको पूरा आराम मिल जाएगा। आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो पैसे की हो चाहे वो दवाई की हो,
मेरे पास आ जाना, मुझे अपना ही समझो, ओके? शर्म की कोई बात नहीं, पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। आओ। दादाजी, दवा आ गई। बेटी आ गई। बेटी, जिंदगी भर तुझे सिर्फ भागदौड़ी कराता रहेगा कि कुछ काम वाम के लिए बोला तुझे? आज शाम को बुलाया है। बोला? जा बेटी, जाके देख ले, कुछ काम वाम मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, जा बेटी। अब तुम्हारे तंत्र दीक्षा पूर्ण हुई वत्स। तुम पहले शिष्य हो जिसने मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया है। अब तुम्हारे शरीर को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। जाओ, महामाया कल्याण करे। सभाविष्टुंग महाभिमंग घोरदन सभय प्रदान। जब वो आएगी तो किसी बहाने उसे कपड़े बदलने के लिए भेज देना और फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर उसे धाड़ मार देना। सारा माल जब्त। क्या समझ गया है ना? कब? बस मेरा ड्राइवर उसे लेके पहुंचता ही होगा। तुम सिर्फ मेरे ब्रीच के कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखना है। लेकिन वो देखने में कैसी है? ठीक। आए, आए, ये कपड़े पहनाऊंगा उसे। जरा नाप तो ले लूं कमर। क्या ये थोड़ी कमर ऊपर और ये टांगे नीचे। गोरी गोरी टांगे यहाँ लगेंगी। लगता है आ गई। रेखा जी, खन्ना साहब की सेक्रेटरी हो? जी। मिस रेखा, खन्ना साहब एक बात बताना भूल गए। खन्ना साहब जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसे बहुत कुछ देते हैं, मगर वो ये बताना भूल गए कि इन कपड़ों में मजा नहीं आता। आओ, मैं तुम्हें नए कपड़े देता हूं, उन्हें पहन लेना। जी ठीक है। अरे रेखा, तुम आओ बैठो। कान खोल कर सुन लो, मैं आज की बात तुम्हारे इशारों पर कभी नहीं नाचूंगी। क्यों नहीं नाचेगी? मैं तेरा वेलविशर हूँ, मैं तेरा भला चाहने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ। तुम्हारे जैसा दोस्त किसी बाप को मिल जाए तो हर घर एक कोठा बन जाए। आज के बाद ना ही तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी, ना ही तुम्हारे कहने पर चलूंगी। मैं अभी जा रही हूँ, तुमसे जो हो सकेगा तुम कर लेना। इतनी गर्माहट, साला इसका बाप तंत्र मंत्र सीख के आने वाला है। वो सीख के अपना कुछ लफड़ा किया तो लफड़ा है। चलो जाके घूम के अमेरिका होके आते हैं। कौन? आ गया बेटा, आ गया मेरे लाल, आ गया तू। मैंने तो सोचा था कि मेरी अर्थी उठने के बाद ही तू आएगा। आजा, आजा बेटे, आजा, आजा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरे लाल। पिताजी, मेरे लाल, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हूँ, बहुत बड़ा तांत्रिक। मैं अमावस्या की रात को चांद के दर्शन करा सकता हूँ।
जेठ की दोपहरी में मूसलाधार बारिश कर सकता हूँ, मैं मुर्दे में जान फूंक सकता हूँ और जिंदा को मुर्दा बना सकता हूँ, बड़ी से बड़ी आत्मा को अपने कब्जे में कर सकता हूँ। बेटा क्या हमें दो वक्त की रोटी मिलेगी? हा? दो वक्त की रोटी? हाँ बेटा, आप जो चाहेंगे मिलेगा। अच्छा है, हमारी बेटी को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। बेटी? हाँ बेटा। कहाँ है मेरी बेटी? बेटा वो अभी आती होगी, बाहर गई है। आती होगी बेटा, आती होगी। सब ठीक तो है ना पिताजी? बेटा, पिताजी, बेटी, बेटी, ये क्या पहनावा है? ये सब खन्ना साहब की मेहरबानी है। मुझे मालूम था कि खन्ना साहब आप लोगों की मदद करेंगे। चिंता मत कर बेटी, अब हमें खन्ना की दया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जा आराम कर। पिताजी, बेटा, मैं एक ऐसे गृह का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें केवल मैं और मेरी सिद्धियां निवास करेंगी, जिसमें केवल मैं और मेरी सिद्धियां निवास करेंगी। रेखा, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। अगर तुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें अपने शरीर में मुझे प्रवेश देना होगा ताकि मैं तुम्हारे और अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? हर रोज रात को 12 बजे तुम्हें मुझे बोतल से आजाद करना होगा और सुबह होने से पहले उस बोतल में मुझे दोबारा बंद करना होगा ताकि तुम्हारे तांत्रिक पिता को मुझ पर शक ना हो। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जैसा करोगे मैं करूंगी।
कौन से हॉस्पिटल में काम करती है जो इतनी रात को सड़क पे खड़ा रहना पड़ता है? मैं तो बहुत छोटे से नर्सिंग होम में काम करती हूँ। अगर आपके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो मेरी तो तकदीर ही बदल जाए। मेरे साथ काम कर सकती हो तुम, लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अरे तुम इतना दूर क्यों बैठी हो? करीब आ जाओ, आओ ना, आ जाओ। पुष्पम समर्प्यामि नमः। प्रणाम बाबा, कल रात को हमारे होटल के सामने एक कस्टमर का खून हो गया। मुझे तो लगता है कि आत्मा का। शांत, तो यहां सुरक्षित है। लगता है यह खून किसी और आत्मा ने किया है। ओम राम ह्रीम रूम साहा। जी, ये लो तंत्र सिद्ध नींबू, इसे अपने होटल के द्वार पर बांध देना। अच्छा जी। इसके प्रभाव से कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे होटल के आसपास नहीं आएगी। ले लो, शुद्ध होकर बांधना इसे। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। सुबह से फोन कर रहा हूं, तेरा कुछ अता पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलीम। देर कर दी दरवाजा खोलने में। मेरी जान, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सलीम चमड़ी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे तुम्हें सेवा के लिए ही तो बुलाया है। फरमाइए ना। अरे उसका क्या हुआ? उसका हाँ हुजूर, एक तकलीफ आ गई है। क्या हुआ ना, जब से होटल में लड़की का मर्डर हुआ ना,
तब से लड़कियों ने आना जाना एकदम टोटल बंद कर दिया है। लड़कियों ने यहाँ आना बंद कर दिया, पर ग्राहक ने बाहर जाना बंद तो नहीं किया ना? हाँ, ये बात तो ठीक है हुजूर। तो चलिए तशरीफ लाइए, चले आइए ना। सुन, पटाखा तो ढंग का है ना? सलीम चमड़ी, अरे सुन सुन, तू जरा बाहर इंतजार कर, मैं एक मिनट में आता हूँ। जरा क्यों कपड़े बदल लूं, परफ्यूम मार लूं, इतनी सड़क लूं। अरे हाय, अभी तक नहीं आया मुआ, क्या करूं, कहीं चली ना जाए। अरे अल्लाह भेजूं से जल्दी, कहां गया मुआ नाश पीटा। अरे यार सलीम चमड़ी, जरा परफ्यूम लगाने में देर हो गई थी। अरे वो आई कि नहीं, माल कैसा है? ये तो मुझे पहचानता है, इसको मारने के लिए मुझे नया रूप धारण करना पड़ेगा। अरे वो आ गई है। कहाँ है वो? वो देखो वहाँ वहाँ। अरे क्या पटाखा है, आए हाय मेरी जान। छोड़ो, जरा मेरी अच्छे से मुलाकात करवा देना। क्या बात है, मेरा कमीशन तैयार है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। हाँ। मेरी बन्नो, सेठ जी बहुत दिलदार हैं। बता दो कितना लोगी तुम एक रात का? अच्छा, सेठ दिलदार है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं। वाह क्या बात, जो भी सेठ जी प्यार से दे देंगे वो ले लेंगे हम। सेठ जी मेरा कमीशन। अरे यार तू अपनी कमीशन की बात करता है, कभी भी लेना ना, तेरा कमीशन रोका है मैंने कभी? कल सुबह होटल में आके ले, अब तू जल्दी कर, चल जा। होटल में दे देना लेकिन। हाँ नहीं तो देखना, मैं इसी कर दूंगी ना तुम्हारा। हाँ डार्लिंग, चलो ना होटल चलते हैं। डार्लिंग अगर होटल जा सकते तो इतना भटकने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि होटल में दो खून हो चुके हैं। खून? अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ हम लोग इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, यहीं प्यार भरी बातें करते हैं। देखो
सुष्मिता सेन, अरे रे 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 रे, क्या बॉडी है ऐश्वर्या राय, माशाल्लाह फंटास्टिक, व्हाट अ बॉडी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कब से मुझे ऐसी मॉडल की तलाश थी। अरे हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल बनोगी, सबसे बड़ी मॉडल, फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। मैं बन जाऊंगी टॉप की मॉडल? अरे मॉडल क्या, तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाओगी। करिश्मा कपूर, काजोल, माधुरी दीक्षित, ये सब तुम्हारे सामने पानी भरेंगे। तुम्हारी प्राइस होगी 1 करोड़, उसके बाद थोड़ा और घिसोगी 2 करोड़। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जितने भी खान है ना, बोलेंगे हमें एक ही हीरोइन चाहिए। अरे तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल। हाँ, ये तीनों बोलेंगे हमें अनमोल चाहिए, अनमोल अनमोल अनमोल। लेकिन उसके लिए क्या कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेरा मतलब मतलब फोटो सेशन करना पड़ेगा। ये देखो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, इन सब ने मुझसे फोटो सेशन करवाया था, तब बनी थी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। और क्या है कि जैसा मैं बोलूं उसी तरह मुझे पोज देना पड़ेगा। बेड के ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुम्हारी फोटो खींचने वाला हूँ। माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, श्री देवी, सबकी छुट्टी कर दोगी तुम। फैंटास्टिक, व्हाट अ स्माइल। हर खड़ी हो जाओ, गेट ऑन द बेड, यू आर अ स्वीटहार्ट, यू आर माय डार्लिंग, आई लव यू बेबी, आई लव यू। हाँ खड़ी हो गई। एक काम करो, ये जो तुमने लाल सा पहना हुआ ना, ये तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा छुपाता है, इसको थोड़ा खोलो। हाय 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 हाय, ये क्या बॉडी है। एक काम करो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ खड़ी 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 रहो, खड़ी रहो, मेक अ सेक्सी पोज। या ये भी उतारूं? या कम ऑन कम ऑन, टेक इट आउट मैन। और भी? हाँ निकाल ना। ओह गॉड, अरे कोई नहीं देख रहा, हिंदुस्तान की टॉप की मॉडल, इंटरनेशनल टॉप की मॉडल। नीचे 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 करो करो। You're beautiful. I love you. You sex bomb. I want you to be India's most wanted sex bomb. Nithora niche. Yeah, zip ko to khol do na. Yeah, that's what I want. That's what I want. Oh my God, my dear man. Maza aa gaya. Ha, theek hai, ek minute. Acha pose do na. Ajanta Alora. Kya caves mein statues hote hain na, waisa pose. Yeah. Good. अभी क्या है कि देखिए, अगर हिंदुस्तान की अगर टॉप की मॉडल बनना है ना, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यू सी, मैं आपके लिए एक कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा कैलेंडर जो 1998 प्लस 1999 का बेस्ट कैलेंडर। उसके लिए थोड़ा सा बॉडी को एक्सपोज करना पड़ेगा। ये जो थोड़ा सा बचा है ना, इसको थोड़ा सा नीचे करो। अरे डार्लिंग, गोना डू इट बिग। क्या बॉडी है, एक एक सेकंड, ऐसा करो, थोड़ा बैक साइड, थोड़ा बाहर, स्टैंड ऑन द कवर द बैक साइड, इसको थोड़ा आगे करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हियर वी गो, नाइस, वेरी गुड, सेक्सी बेबी बेबी। अब एक काम करो, बेड पर लेट जाओ, आंखें बंद करो, मैं तुमको मिस वर्ल्ड बनाऊंगा। थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्टमेंट करो, मैं जरा फोन सुन लेता हूँ। फोन आया होगा, किसी प्रोड्यूसर का फोन होगा। डार्लिंग आई लव यू। हेलो, हाँ बोलो, कौन? स्वता। अरे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए ये जिंदगानी कब आएगी तू। स्वता व्हाट इज दिस, 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो आप ऊपर आऊँ क्या? अरे डार्लिंग आई एम वेटिंग फॉर यू, एक सेकेंड होल्ड करना। डार्लिंग एक काम करो, अभी सब कपड़े पहन लो, कल शाम 6 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। आपका हाथ के लिए पैकअप, कल मैं तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफ जरूर दिखा दूंगा। यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिस यूनिवर्स। ड्यूटी के टाइम पे सोता है बेशरम। अरे सर जी, भाई सीरी है कि हलचल क्या है, हवा क्या बोल रही है? अरे क्लाइमेक्स बताओ या ओपनिंग, फ्लैशबैक बताओ। अरे अरे अपना डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो मरीजों को देखता है, उसके फोटो पे हार चल गया। और क्या नाम है उनका, अरे कॉन्ट्रैक्टर जो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज जिस पे गाड़ी चलती है, बोलना। अरे उनके भी फोटो पे हार चल गया। क्या उसका भी पैकअप हो गया? आओ आओ मेरी डार्लिंग, डार्लिंग बोलो बोलो बोलो।
मैं तुमसे आज खास बात करने आई हूँ। अरे बात तो होती रहेगी, बात के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। कुछ अच्छा काम करते हैं डाले। सुनो तो। क्या बात है, चलो बोलो क्या बात है। शक्ति, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? तुम शायद भूल गई हो कि जब 100 कमीने पैदा हुए थे, 101 कमीना मैं था। जब 100 हरामी पैदा हुए थे, 101 हरामी नंबर मैं था। आज तुम छेटी लड़की हो जो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ए सुन, मैंने क्या तुम लड़कियों को माँ बनाने का ठेका ले रखा है? जाओ, मेरा किसी और को देना। जाओ जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से, गेट आउट। साली माँ बनने आई है। शक्ति, शक्ति, मैं नहीं जानती थी तू भोली भाली लड़कियों को हीरोइन बनाने के सपने दिखाता है और उन्हें टॉप की हीरोइन बनाने के वादे करता है और तू उनकी इज्जत से खेलता है। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तू कैसा कमीना है। मैं टीवी में बताऊंगी, मैं पेपर में छापूंगी, हर जगह तेरा नाम मैं ऐसा छापूंगी, ऐसा बदनाम करूंगी कि दूसरी बार तू किसी और लड़की को बदनाम नहीं कर सकता और उसकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता तू। मैं बहुत हरामी हूँ। हाँ, मैं हीरोइन बनाने के बहाने उनकी इज्जत लूटता हूँ। तुम टीवी में पेपरों में मुझे एक्सपोज करेगी? डेफिनेटली। तू पेट से है? हाँ, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा मतलब। एक मिनट। ये दरवाजा बंद। ये देख, अभी लाइट बंद। तू जिंदा रहेगी तो बताएगी ना कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? तू जिंदा रहेगी तो अखबार वालों को बताएगी ना? तू मुझे बदनाम करेगी ना? जिंदा रहेगी साली तब ना। मुझे एक्सपोज करेगी साली, मुझे 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 एक्सपोज हट साली, मुझे एक्सपोज करेगी। इस दुनिया में शक्ति को कोई एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं? ये तुम्हारी किसकी लाश को? खन्ना को फोन करता हूं। हाँ, फोन। हेलो, खन्ना स्पीकिंग। खन्ना? हाँ, मैं शक्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोल शक्ति, क्या काम है? सांस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ से एक छोटा सा हादसा हो गया। एक लड़की बेचारी मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, मैंने उसे दुनिया से डिस्पोज कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। उसकी लाश का क्या करूं खन्ना, मुझे जल्दी से कोई आइडिया दे। क्यों, मजा ले रहा था क्या? आपसे क्या छुपाना? उसमें डरने की क्या बात है? जब तक खन्ना जिंदा है तुझे कोई डरने की बात नहीं। तू एक काम कर, उस लाश को भूत वाले पेड़ के नीचे डाल दे, लोग समझेंगे भूत का काम है। खन्ना, अगली बार तू मिलेगा ना मेरे राजा, मैं तेरे को खिलाऊंगा गन्ना। क्या आइडिया दिया है खन्ना? साली मेरे को एक्सपोज करेगी? हाँ, मेरे को। चल, पेट से अब भारी है। आराम से बैठी रह, अभी बैठी रह साले। जय हो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। नहीं, ड्रैकुला।
गंदा कैसे हो गया? अरे नहीं 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 मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ में हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ, नहीं नहीं आ और तीसरा कौन है वो ब्रोकर? कौन ब्रोकर? अरे हलवा दास। हाँ हलवा दास। अरे उसके भी फोटो पे हाथ चढ़ गया, उसका भी पेकअप हो गया। उसका भी पेकअप हो गया? अरे वो नहीं आपका दोस्त? कौन? वो मैनेजर, होटल का मालिक, जो बहुत बड़े होटल का मालिक है। अरे उसके भी फोटो पे हाथ चढ़ गया, उसका भी पेकअप हो गया। हाँ उसका भी पेकअप हो गया, सबका पेकअप हो गया। हाँ सबका पेकअप हो गया। नहीं एक आदमी बाकी है। कौन रे? अरे नहीं बताऊंगा तो आप मारेंगे। नहीं नहीं मारूंगा। अरे नहीं मारेंगे, नहीं मारूंगा। अरे आप बाकी है। तेरी बात है। लगता है अब मुझे रीना बनना होगा। हाँ तुम्हें रीना बनना होगा, क्योंकि तुम्हारे आखिरी दुश्मन को मैं खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जो भी उसके बीच में आएगा बेमौत मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। जगो, ए जगो। आ रिया हूँ। जगो। आ रिया हूँ। अरे चला, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला। चला अपने पास एक सेक्रेटरी नहीं जो जाके कॉन्ट्रैक्ट लेके आए। अरे चलो मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कराता हूँ, पक्की। अरे तुम्हारे पास बंगला होगा, बंगला, गाड़ी भी होगी। बाद में फोन करो। इनसे मिलिए, ये मेरे साहब जी हैं। साहब जी इन्हें नौकरी चाहिए, आपकी नई सेक्रेटरी। अच्छा, अच्छा। अगर आप कहें तो मैं इन्हें काम सिखा दूं। तू क्या सिखाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, तू जा। अरे जा रही हूँ, सिखाऊंगा। अरे हाँ आप इधर आइए, आइए। अरे निकल गया। क्या नाम है तेरा? रीना। खड़ी हो जा, जरा देखने। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे कोई है यहाँ? बचाओ मुझे, बचाओ। चुप, 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 बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन आएगा तेरे को यहाँ बचाने को? हाँ ये तो मर गई, अब इसे क्या करें? इसे वही भूत वाले पेड़ के नीचे डाल देते। चलो अच्छा हुआ, चलो यहां से भाग निकलते, क्योंकि कोई देखे नहीं। ये बिजली की चमकने लगी। लड़की गायब। अरे बाप रे, अरे ये क्या बात है? अरे अरे का मतलब है सरकटी लाश मेरी बेटी के बदन में प्रवेश करके लोगों का खून कर रही है।
लेकिन ये चाल ज्यादा देर नहीं चलेगी। अभी आता हूं, अभी आता हूं। तांत्रिक, खन्ना आज बचेगा नहीं। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वाहा जय चामुंडा ऐं भीम क्लीं चामुंडा ऐं जय। ऐ सरकटी लाश, इस बोतल में वापस आ जा। मैं कहता हूँ वापस आ जा। देख, तू अपना ये उत्पात बंद कर वरना मैं तुझे बहुत कष्ट दूंगा। ऐ लाश, रुक जा, बंद कर ये सब। कोई बचाओ, मैं कहता हूँ वापस आ जा। कोई बचाओ, बंद कर, मैं तुझे बहुत कष्ट दूंगा। मैं बचाओ, वापस आ जा, रुक जा, बच कर ये, बच कर, बच कर ये, बच कर। मैं कहता हूँ इस बोतल के अंदर वापस आ जा। तूने मेरी बेटी को अपना शिकार बनाया, मेरी बेटी के माध्यम से लोगों का खून कर रही है तू। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, लौट कर आ जा। तांत्रिक, तू क्या मुझे कैद करेगा? आज मैं तेरे जिस्म में घुसकर इस गांव में तबाही मचा दूंगा, तबाही। बेटी, पास के गांव में ही मेरे गुरुजी आए हुए हैं, तू जल्दी से उन्हें बुला कर ला वरना ये मुझे मार डालेगा। जल्दी जा, गुरुजी को बुला कर ला। पिताजी, मैं अभी तांत्रिक को बुला कर लाती हूँ। कौन है? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे मेरे बेटे को मत मार, अरे मेरे बेटे को मत मार, अरे मत मारो, अरे मेरे बेटे को, अरे मेरा बेटा खूनी नहीं है, अरे मेरा खूनी नहीं है, अरे मेरा बेटा खूनी नहीं है, अरे मेरी बात सुनो, अरे गांव वालों मेरी बात सुनो, अरे मेरा बेटा कातिल नहीं है, अरे उसे मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, अरे मत मारो मेरे बेटे को, अरे छोड़ दो उसे, अरे नहीं, अरे मत मारो मेरे बेटे को, अरे कोई बचाओ उसे, बचाओ, मत मारो, मत मारो, मत मारो, अरे मेरा बेटा कुनी, अरे मेरा बेटा कुनी, गांव वाले उन्हें मार देंगे। उन्हें बचा लीजिएगा। उसकी चिंता मत करो, उसे खुश रखो। मेरा बेटा खूनी है, खूनी नहीं है, मेरा बेटा खूनी नहीं है। रुक जाओ, अरे मत मारो उसे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बचा लीजिए बाबा, ये लोग मार डालेंगे। रुक जाओ, पागल हो गए हो तुम सब लोग? मेरा शिष्य कभी ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता है। उससे कुकर्म कराने वाली वो सरकटी लाश है जो इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है।
यदि तुम इसकी देह को नष्ट भी कर दोगे तो वही सरकटी लाश किसी और के शरीर में प्रवेश करके तुम्हारा खात्मा कर देगी। इस लाश से बचने का केवल एक ही उपाय है कि मैं अपनी तंत्र शक्ति से इस सरकटी लाश को इसके शरीर से बाहर निकाल दूं। देखो देखो तुम सब ओम मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा। ृकाकृक्तकेशी लोक द्वारा नित्यपुष्टा कृषिणी।